लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राम राम भाई। ये चोपड़ा साहब है क्या? आबा साहब आजकल वो यहाँ नहीं आते, यहाँ के मालिक बदल गए हैं। मगर आज का तो तारीख था ना हमको खुली देने का। अच्छा अच्छा जाइए। आओ चलो। एक जगह एक साहब। राम राम। आप? हम यहाँ के मालिक हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब ये आपके सामने जो नक्शा पड़ा है ना, इसमें हम लोगों का छोटा छोटा खोली है। अब बाकी के पैसे ले लो और कब्जा दे दो हमको। पहले रुपए दिए थे? हाँ बिल्कुल। ये रही 1000 की कच्ची रसीद। और बाकी के पैसे? बाकी के पैसे 4 लाए हैं ना। 5000 में खोली देने का वादा था ये। 5000 में मकान? क्या बच्चे हो बिकी। यस डैड। इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? का यहाँ पड़े। इन्हें पढ़कर सुनाओ। चले आते हैं 5000 में मकान लेने। 1000 रुपया एडवांस और मकान लेने से पहले 49000। क्या 49000? हाँ हाँ, 50000 रुपए से 1000 कम। ये लो बड़ो। ये झूठ है, धोखेबाजी। हमसे तो 5000 में मकान देने की बात पक्की हुई थी, आपने तो 5 पे 50 बना दी। एक झुरो बना दिया आपने। अबे धोखेबाज किसे कहता है बदतमीज? 5000 रुपए में तो मकान के दरवाजे खिड़की भी नहीं आते, समझा? पहले माल ला फिर बात करना। क्या कैटम आउट बिकी। टाइम आउट। ये ठीक नहीं है। सुनाम चुप नहीं रहेंगे। बोल देते इसका अंजाम पूरा होगा। बोल देते हम इसका अंजाम पूरा होगा। हाँ हम चुप नहीं रहेंगे। आउट। चलो 5 के 50 कथे बेईमान साले। चलो इकबाल के पास। और ये भी अच्छा हुआ कि हमने इस बिजनेस पर अपना कब्जा कर लिया। अब रही जूली की बाकी जायदाद। अरे हाँ याद आया, तुमने जूली से अपनी शादी की बात की थी? हाँ डैडी। क्या कहा उसने? उसने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? नमस्ते मैडम। नमस्ते। अब इसे हाँ करवानी ही पड़ेगी विकी, हमें इसकी जायदाद और इस कंपनी में आधा हिस्सा चाहिए। वो कैसे? डैडी डैडी ये पानी लो। क्या हुआ अंकल? जूली अच्छा हो तुम आ गए। डैडी को दिल का दौरा पड़ गया, जरा उनका ख्याल करना, मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। अंकल अंकल अंकल। अच्छा हुआ जो तू आ गई बेटी, वरना मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाती। देख देख तेरे डैडी ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था, उसे पूरा करेगी ना? हाँ अंकल जरूर करूंगी। बस तो विक्की से शादी कर ले। ये नामुमकिन है अंकल। आप नहीं चाहते कि मुझे सबसे पहले अपनी डैडी की मौत का बदला लेना है। अपने बाप की मौत का बदला लेना तुम्हारी ख्वाहिश है, लेकिन तुम्हारी और विक्की की शादी तुम्हारे बाप की ख्वाहिश थी। अंकल आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं शादी नहीं कर सकती। अरे तो मंगनी कर ले बेटी, मंगनी कर ले। मरने से पहले मुझे कुछ तो सुकून मिल जाए। 5 साल की उम्र से मुझे बेटे की तरह पाला, सिर्फ इस आशा में कि तू मुझे कभी मना नहीं करेगी। ठीक है अंकल। अरे जीती रहे बेटी जीती रहे। अब तो ऐसा लगता है अपनी बेटी का बसा बसाया घर देख कर ही ऊपर जाऊंगा। डैडी डैडी डॉक्टर आ रहे हैं। अरे वापस कर दिए। मगनी की खुशखबरी सुनकर तो मौत भी वापस चली गई। बेटा जूली ने मगनी के लिए हाँ कर दी है। अच्छा क्या जूली? जल्दी करो, कार्ड छपाओ, शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाओ। बेटे मैंने तुम्हारी मगनी तुम्हारे जन्मदिन के दिन तय की है, अगले महीने की 2 तारीख। अब ये शादी मगनी का कार्ड छपने का डिपार्टमेंट किधर है? ओ भाई। अरे मिया पीने का टाइम आ जाते हैं। अरे अरे टिंगू लंबू। हाँ इन्हें नाम लेने को टपक पड़ा क्या? नहीं नहीं नहीं, इनाम लेने नहीं आया। वो एक बात मालूम करनी थी, अपने मॉडर्न बिल्डर है ना, उनके बेटे विकी की मंगनी का कार्ड इधर ही छपने वाला है। हाँ यही तो छप रहा है। ठगा ठग तेरा भी छादू क्या?
हाँ छाप दे लेकिन कार्ड नहीं। बात सुन, इस कार्ड पे कौन सी तारीख लगने वाली? दो। वही तो, इस हाथ ले उस हाथ दे। क्या दो? एक्सक्यूज मी। यस, कौन हो तुम? आप मुझे नहीं जानते? नहीं। हम यार मजाक कर रहे हैं। अजी मैं रीड मी दिल्ली का मशहूर रिपोर्टर सनी हूँ। मैं कार्ड सर। और रिमूव इट। नो प्रॉब्लम सर, मैं आप जैसे महान इंसान की तस्वीर छाप कर हिंदुस्तान के हर इंसान को दिखाना चाहता हूँ। बैड शॉट। गुड ट्राई सर, गुड ट्राई साहब। बाबा साहब मानना पड़ेगा, क्या दिल है आपका? आपका दिल दरिया है और ख्याल समंदर। आज तक जितने भी बड़े लोगों ने अपने घर में दावत दी, हमेशा अमीरों और रईसों को बुलाया, लेकिन आप वो पहले अमीर हैं जिन्होंने दौलत वालों को ठुकरा कर गरीबों को अपनाया, कुलियों को बुलाया। कुलियों को? व्हाट नॉनसेंस। कुली हमारी पार्टी में कैसे आ गए? और जनाब वही कुली जिनसे आपने मार खाई और आपने जिल्लत उठाई। अगर यकीन हो तो आप नजारा कर लीजिए। जाइए जाइए। हाँ तो इन कुलियों के मौज के बारे में आप अपना ख्याल बयान करेंगे? Shut up! क्या हो रहा है सब? किसने आने दिया इन लोगों को अंदर? अरे खुद बुलाते हो फिर बुलाने के बाद भूल जाते हो? भाई साहब आपकी मंगनी का मोहब्बत भरा दावतनामा हमें यहाँ खींच कर ले आया। कहाँ गया? ये देखिए। ये क्या बदतमीजी है? धक्के मार कर निकालो इन्हें। माइकल माइकल चाहिए ना? वो माइकल एंड पार्क। एक्सक्यूज मी, ये सब आपके मेहमान हैं। एक तो आप इन्हें बुलाते हैं फिर धक्के मार के बाहर निकालना चाहते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। बैड पब्लिसिटी, बदनामी। अरे हाँ विक्की, जाओ और जाकर मेहमानों को फोन करो, आए क्यों नहीं अभी तक? एक पोस्ट है? हाँ डाली। हाँ क्यों है? आइल करो यार। हेलो हेलो जफर अंकल, मैं विकी बोल रहा हूँ। हाँ विकी भाई मुबारक हो, मैं अभी लंदन से आया, तो तुम्हारा ये मंगनी का कार्ड मिला मुझे। क्या बात है, आप लोग आए नहीं? क्या? अरे अरे आज मेरी मंगनी है ना? आज? हाँ आज 2 तारीख है ना, मगर इस कार्ड में तो 20 तारीख लिखी हुई है। कमाल, ये 2 का 20 कैसे हो गया? जिस तरह 5 के 50 हो जाते हैं। गुरु ये गुरु आप ही ने हमें सिखाया, हमने आपको कर दिखाया। तो ये आपकी कारिस्तानी है जनाब? हमारी ये कारिस्तानी आपकी मेहरबानी का जवाब है, और जब तक आप हम लोगों को मकान नहीं देंगे, हम आपके बाप के इस मकान को अपने बाप का मकान समझकर आराम से रह जाएंगे। क्यों भाई लोग? एक्सक्यूज मी, आप अपने इस बाप के मकान के बारे में कुछ रोशनी फेंक सकते हैं? तो ये तरीका अपनाया है आपने मकान लेने का? जनाब आपने अपने तरीके से हमसे पैसे लिए, अब हम अपने तरीके से आपसे मकान लेंगे। ओ, तो आपको मकान ही चाहिए ना? जी हाँ। मिल जाएंगे। एक्सक्यूज मी, मकान पर इनका हक हो गया और आपके चेहरे का रंग फक हो गया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे ख्याल से जो मकान इन्हें मिलने चाहिए वो तो इन्हें मिल ही जाएंगे। मकान चाहिए ना, ये लो मकान। खुश क्यों, क्या बात है, कुछ छोटा है क्या? आपके दिल के मुकाबले में तो काफी बड़ा है। लेकिन अब हम इस मकान में आप जैसे अमीरों के आराम का सामान बड़े आराम से फिट कर देंगे। क्या किया तुमने है? जनाब इस झूमर को इस मकान के साइज में ला रहा था, वरना इतना बड़ा झूमर इस मकान में कैसे जाएगा? इकबाल भाई। हाँ भाई।
इस झूमर के इस मकान में जाने या ना जाने के बारे में आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं? अरे रोशनी तो क्या, अभी मैं बहुत कुछ डालने वाला हूँ, आप देखते जाइए। थैंक यू। जानते हो ये कितना कीमती झूमर था? एक्सक्यूज मी, इस झूमर के झांझर बन जाने पर आपका क्या ख्याल है? यू शट अप। इकबाल भाई। बोलो पिनबाल भाई। मैं थाली में मुंह देख के बाल बनाता हूँ। आईना चाहिए ना? मिल जाएगा। बोला तो होता, फोटो ले लेता क्यों? पिनबाल भाई आ गए। इकबाल भाई दिखता ना, ले जाओ। मजा आ गया। एक्सक्यूज मी, शादी और मंगनी के वक्त शीशे का टूटना मनहूस समझा जाता है, इस मनहूसियत के बारे में आपका क्या ख्याल है? टाइम पर पहुंचने के लिए घर में घड़ी का होना बहुत जरूरी है, क्यों भाई लोग? एक मिनट स्माइल। अब तोड़ो लो घड़ी। हाँ मामा जी। हाँ जी। घड़ी का अपना हिस्सा इसमें से निकाल लीजिए और भाइयों अपना अपना हिस्सा इससे ले लीजिए। मैं तुमको इस बदतमीजी के लिए टाइम, एक्सक्यूज मी, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, कल तुम्हारा आज हमारा। एक्सक्यूज मी, इस हिलती डुलती लटकती चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? शट अप। विक्की पुलिस को फोन करो। एक मिनट, अब तोड़ो। ये पकड़ ले। थैंक यू। हाँ तो आदर अरे ये सब क्या है, ये कौन लोग पार्टी में घुसा है? ओ तो तुम यहाँ भी पहुँच गए। मेहमान है मेम साहब, कार्ड मिला है तो आए हैं। अरे रामू काका, तुम्हारे घर में तुम्हें सब कुछ मिल गया क्या? अभी कुछ बाकी है? अरे एक बार भैया सिर्फ एक घर वाली चाहिए। घर वाली चाहिए ना? हाँ हाँ घर वाली। अरे मेरा हाथ। अमामी है, जरा अपने आप को देखो, फिर अपने बाप को देखो, ये लड़की तुम्हें सूट करती है? अरे इसे तो मैंने अपने लिए रखा हुआ। इतने लोगों के सामने मेरा हाथ पकड़े है और तुम कुछ भी नहीं कर रहे? अरे इतने सारे आदमियों के साथ आया है, अकेला आया होता तो बताता इसे। अकेला ही समझ लो प्यारे। वैसे भी तुम्हारे साथ पुराना हिसाब किताब चुकाना है, बोलो तो अभी पूरा कर दें। जरूर। छोड़ो रे। अभी ये लोहा तुम्हारे सीने के पार हो जाएगा। हम मजदूरों का सीना लोहे की दीवार है और ये हमारे हथियार है। ये हमारा पेट पाल भी सकते हैं और तुम जैसों का पेट फाड़ भी सकते हैं। Smile, 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 no!
आपका जहाज जैसा बदन इस बांस के वजन से दबा जा रहा है, इस दबाव के बारे में आप कुछ बोलेंगे? मैं तो भूल ही गया, आपकी तो बोलती बंद है। अंकल, अंकल पुलिस को पहुंचे। जब तक हम लोगों को मकान नहीं मिलेगा तुम्हारा ये सामान हमारे पास रहेगा। रसीद दूं क्या? चलो आता हूँ थोड़ी देर में। चलो भाई लोग। अंकल पुलिस को फोन करो। हाँ जी, इन कुलियों ने आपकी इज्जत लूटी, आपकी नाक काट दी, आपकी इसके बारे में आपका क्या ख्याल? Shut up! Now you shut up!